अभियान में रिकॉर्ड 22,05,000 से ज्यादा टीका लगाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए महाअभियान में मंगलवार को सूबे में 22,05,000 टीकाकरण का आंकड़ा पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये महाअभियान और टीकाकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो पाया, जिनके कारण राज्यों को मुफ्त में टीका उपलब्ध हुआ। सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं समस्तीपुर में 1 लाख से पार टीकाकरण किया गया। पटना में भी कोरोना का टीका 1 लाख से पार गया है। बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा था और इसी कड़ी में कल भी एक महाअभियान रखा गया था, जिसमें टारगेट राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख थे, लेकिन उन आंकड़ों से कई ज्यादा 22,05,000 लोगों ने कल अपना टीकाकरण कराया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को धन्यवाद दिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस अभियान से जुड़कर इस महाअभियान को सफल बनाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका सीधा श्रेय देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को दिया है। पीएम के अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लोगों ने अहम भूमिका अदा की और बढ़ चढ़कर कोरोना टीकाकरण अभियान में भागीदारी ली है, इससे ये महाअभियान सफल हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। वहीं सीतामढ़ी जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम के तहत लोगों की भीड़ लगी। टीकाकरण केंद्रों पर महिलाएं और पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। सेंटरों पर वैक्सीन को लेकर लोगों में मायूसी भी दिखी, जिसका मुख्य कारण है कि 80,000 के करीब वैक्सीन के डोज मिले, जिसका वितरण जिले में बने कुल 314 टीकाकरण केंद्रों पर किया गया। और बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में सारे रिकॉर्ड टूट गए। मंगलवार को एक दिन में 22,05,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 31 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। सभी को धन्यवाद। वहीं गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद आशा ने एक शख्स की चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला हथुआ के सिंघा पंचायत भवन का है। दरअसल पूरे बिहार में मंगलवार को वैक्सीनेशन का महाकैंप आयोजित किया गया था। गोपालगंज में भी पटना से 45,000 वैक्सीन की डोज भेजी गई थी, जिसके लिए जिले के सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। हथुआ के सिंघा पंचायत के भवन पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, लेकिन यहां पर वैक्सीन लेने के लिए लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ को बेकाबू होते देख पंचायत भवन पर ड्यूटी पर मौजूद एक आशा ने लोगों के ऊपर चप्पलों की बरसात कर दी। और दुमका के मसालिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। नाबालिग नाबालिग पीड़िता ने एक आवेदन दिया था कि उसके साथ में 17/8/2021 को दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें करीब 10 लड़के इन्वॉल्व थे। जब ये मेला देखकर वापस लौट रही थी, उस दौरान रात्रि में उनके साथ में इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
और बेतिया के नरकटियागंज स्थित सशस्त्र सीमा बल के 44वीं वाहिनी ने अपने देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने कार्यालय में एफएम रेडियो के संचालन का शुभारंभ किया। आकाशवाणी के उपनिदेशक वेद प्रकाश नारियल फोड़कर और फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट मैनेजर केशव मुखर्जी ने बताया कि हम लोगों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए रेडियो सेवा आवश्यक है। 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारित की जाएगी। इसका तत्काल रेडियस लगभग 70 किलोमीटर होगा। वहीं शेखपुरा में बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना अंदरों काफी चर्चा में है और चर्चा का मुख्य कारण ये है कि गांव में नल जल योजना का पाइप तो लगा दिया गया लेकिन पानी ही नहीं निकलता। दरअसल गांव में पानी के लिए 2 माह पहले पाइप बिछा दी गई लेकिन अब तक उसमें पानी निकलना शुरू नहीं हो सका। आलम यह है कि महानंदपुर पंचायत के पन्हेसा गाँव के करीब 100 महादलितों की आबादी वाला गाँव पेयजल की संकट से जूझ रहा है और इन्हें पेयजल लाने के लिए दूर दराज भटकना भी पड़ रहा है। महादलितों का कहना है कि मुखिया जी के पास भी गए लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। और वहीं राजधानी पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल योजना की प्रगति पर बैठक की। बैठक में योजना के में मुख्यमंत्री ने जानकारियां ली, वहीं सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। वहीं दिल्ली से तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिता लालू यादव की अब सेहत ठीक है, वो जल्द ही पटना आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना पर मिलने के बाद कहा कि अब सारा फैसला प्रधानमंत्री के पास ही है। नीतीश के पीएम मटेरियल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये तो अब बीजेपी को तय करना है कि 40 सीट वाली पार्टी को वो पीएम का कैंडिडेट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अब अपना काम करना है, बाकी हम लोगों ने अपना काम किया है। सारी चीज़ें जो है विस्तार से उनको बता दी गई है कि जाति जनगणना होगा तो क्या फायदे होंगे कास्ट सेंसस को लेकर के। तो अब बीजेपी के लोग तय करें कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री जी तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बिहार की क्या दुर्दशा की है उन्होंने। अब दूसरी और तीसरी नंबर की पार्टी वो डिसाइड करें। लालू जी कैसे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी पूछा था आपसे, प्रधानमंत्री जी भी जाने से कोशिश करें। तो विस्तार रूप से बता ही दी गई और अभी लालू जी की सेहत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और अभी तो आप देखे होंगे कि कल जन्माष्टमी भी था, हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया तो वहाँ भी वो गए थे। कब तक आने की उम्मीद है? राजधानी रांची में ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कोरोना महामारी के बावजूद ICAI के रिसर्च कमेटी को 12 देशों जैसे कि श्रीलंका, बहरेन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, कतर, उज्बेकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों से 138 नामांकन प्राप्त हुए थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के अध्यक्ष एलिन जॉनसन की अध्यक्षता में जूरी पैनल ने अच्छे शोध पत्र का चयन किया जिन्हें राज्यपाल के हाथों समारोह में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। ICAI CA डॉक्टर देवाशीष मित्रा उपाध्यक्ष ICAI श्री एरन जॉनसन अध्यक्ष IFAC CA अनुज गोयल अध्यक्ष रिसर्च कमेटी CA प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष रिसर्च कमेटी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े देश विदेश के सदस्यगण सभागार में उपस्थित आज के अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण पुरस्कार के विजेता
एवं उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य अतिथिगण, प्रेस व मीडिया के साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। सर्वप्रथम पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई एवं अन्वेषण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी क्षेत्र के विकास में अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्वेषण से विभिन्न प्रथाओं एवं संभावनाओं को समझने एवं नई प्रणालियों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होता है। और रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून खबरें जहां सब और ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, एसएसपी सुरेंद्र झा के अलावे सभी सचिव शामिल हुए। बैठक में किस प्रकार विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलाया जाए, प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार हो, इस पर चर्चा की गई। साथ ही सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के पूछे गए प्रश्नों का जवाब समय पर मिले, इन सब बातों पर बैठक में चर्चा की गई। वहीं कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा की गई है। बता दें कि 3 सितंबर से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। तीन तारीख से विधानसभा सत्र आहूत है, उसके लिए हाई पावर कमेटी के बैठक बनाए, सारे सेक्रेटरीज को बुलाए और सत्र के दरमियान जो जो आवश्यकता होता है, विधानसभा के तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हो, सवाल जवाब के परिप्रेक्ष्य में हो, विधेयक के परिप्रेक्ष्य में हो, जो जो आवश्यकता होता है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और आज भी हम लोगों ने हुई किया। जो प्रश्न होता है, तरंकित हो या ध्यानाकर्षण हो या जो भी निवेदन समिति में उठा या जीरो आर से उठा, सभी की चीज़ को इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं है उसका भी हम लोग जानकारी लेते हैं, या कोई अध्यादेश भी आता है वह अध्यादेश के प्रति भी पहले आ जाना चाहिए। और झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महज 19 महीने में ही इस मौजूदा सरकार से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि पैसा और सत्ता के दुरुपयोग कर चुनाव जीतने के लिए सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने के बजाय चुनाव को टाल रही है। पिछली सरकार ने दो दो दफा, आप सबको ध्यान में होगा कि नगर पंचायत का, नगर परिषद का, नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर हुआ अध्यक्ष के पदों पर। लेकिन इस सरकार ने इस डर से, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद चुनाव जीत जाएगी, तो उन्होंने दलीय आधार के चुनाव को उन्होंने समाप्त कर इस दिशा में कहीं कोई पहल नहीं कर रही। खाली अखबारों में वो देखती है कि वो उद्योग लगाते हुए, अखबारों में देखती है जनता की सेवा करते हुए, लेकिन सचमुच में वो जमीन पर सरकार कहीं भी नहीं है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे जैसे कोरोना और कोविड का पालन करते हुए कि हम सब ने अब तय किया है कि भाई सरकार को अब ऐसा चलने नहीं देना है, या तो सरकार काम करे और नहीं तो फिर धक्का देने के लिए अब हम सब लोग सड़क पर।
लखीसराय में कल देर शाम नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बंगाली बांध में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। घटना स्थल से खून के धब्बे भी मिले हैं। वहीं पुलिस ने एक राइफल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में कॉबिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बता दें कि नक्सल एरिया कमांडर बालेश्वर कोड़ा अपने दस्ते के साथ इस जंगल में मौजूद थे। इसी सूचना पर एसएसबी और जिला पुलिस की टीम ने एसएसबी अभियान अमृतेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की थी। तो बता दें कि लखीसराय में कल देर शाम नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बंगाली बांध में नक्सली मुठभेड़ हो गई और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई है। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ हुआ, पुलिस को किस प्रकार एक बड़ी सफलता हाथ लगी है? बिल्कुल सुभी, देखिए ये बालेश्वर कोड़ा दस्ता बताया जा रहा है जो नक्सली एरिया कमांडर है। वो बीते दो दिन पहले भी नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी से लेवी की मांग को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट और एक वाहन को आके हवाले कर दिया था। और जैसा कि आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव को लेकर भी जो नक्सली है वो काफी एक्टिव हो गए हैं इस इलाके में। इसी सूचना पर कल पुलिस के द्वारा जो है एसएसबी के जवान और जो नक्सल अभियान एसपी है अमृतेश कुमार, उनके नेतृत्व में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस की टीम नक्सल प्रभावित जो जंगल है बंगाली बांध का जो इलाका है वहां पर पहुंची, तो बालेश्वर कोड़ा के दस्ते ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है और जैसा कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो पता लगा है कि एक जो राइफल है वो बरामद किया गया है, कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। जैसा कि वहां पर खून के धब्बे वगैरह मिले हैं, तो अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जो नक्सल है वो बैकफुट पर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथों लगी है क्योंकि जिस तरीके से मुठभेड़ हुई उसके बाद एक जिंदा कारतूस, पिस्तल, ये तमाम चीजें वहां से बरामद भी की गई है। फिलहाल आगे भी ये जो कार्रवाई है वो जारी है और लगातार वहां पर पुलिस मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान भारत फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। मामला सीतामढ़ी के परसौनी थाना इलाके का है। घायल कर्मी ने बताया कि 1.5 लाख रुपए नगद और लैपटॉप की लूट की गई है। तो बता दें कि सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। भारत फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल कर्मी निजी क्लिनिक में भर्ती है, लेकिन मामले में सीतामढ़ी के परसौनी थाना इलाके का जिक्र किया गया है और घायल कर्मी ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए की लूट उनसे की गई। इसके अलावा उनका सामान यानी कि लैपटॉप भी उनका बरामद कर लिया गया। ये अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ है दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अन्य अलग अलग जिलों से कई सारी आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया जाता है। अलग अलग खबरें सामने आती है और एक बार फिर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और इतना ही नहीं कर्मी को घायल भी कर दिया गया। 1.5 लाख कैश और लैपटॉप की लूट की गई है। बता दें कि ये व्यक्ति भारत फाइनेंस कर्मी है और यही वजह है कि इनसे 1 लाख रुपए की नगद की लूट की गई, साथ ही साथ गोली मारकर इन्हें मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये घायल हैं और एक निजी क्लिनिक में भर्ती हैं। मामला सीतामढ़ी के परसौनी थाना इलाके का बताया जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार अलग अलग तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है।
वहीं कटिहार नगर थाना क्षेत्र के प्रधान डाकघर के समीप कांग्रेस नेता फिरोज कुरैसी पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि फिरोज कुरैसी हरदयाल टीकोज स्थित प्लाईवुड खरीदकर वापस आ रहे थे। इसी दरमियान तीन अपराधियों ने उन्हें रोककर उनसे पैसे मांगा। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर फिलहाल रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर के अलावा सभी नेता सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अफसोस की बात है। अब पूरा क्या उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है तो पता चलेगा, पुलिस अपने रिपोर्ट में बताएगी, उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के समसपुर इलाके में एनआरआई की मां की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पड़ोसियों ने अकेली रह रही वृद्ध महिला के यहां लूटपाट कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल चार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूटी गई टीवी, सोने के गहने और 25,000 नकद रुपए भी बरामद किए गए हैं। और समस्तीपुर में एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चौकीदार बार बालाओं के साथ ठुमके लगाता नजर आ रहा है। वीडियो विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर दक्षिणी गांव का बताया जा रहा है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिना परमिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बार बालाओं के ठुमके पर कल्याणपुर दक्षिणी के चौकीदार परमानंद पासवान डांस करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौकीदार की पत्नी मुखिया उम्मीदवार भी है। और गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के तीसर टेटुका गांव में एक बड़ी घटना तब घटी जब जंगल में शिकार करने गए 9 में से गुफे में घुसे 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंडई थाना क्षेत्र के चक्रा में 9 कोरवा जाति के लोग पहाड़ में शिकार की तलाश में गए थे, जहां साहिल के पकड़ने के लिए 6 युवक करीब 20 फीट नीचे पथरीली गुफा में उतर गए, जिसमें 3 के दम घुटने से मौत हो गई और 3 शव को बरामद कर लिया गया है। या सर पहले एक दो फेरा मार के खेले रहन हमें एक दो साल, तो सोचलन जे फिर हो ही नहीं हमें, तो आइलन शाम के 10-11 बजे रात में घर से खाना वाना खा के तब तो आगे कल लगेले रहन का था। सबेरे ढुकल रहन, सबेरे ढुकला के बाद नहीं निकले लगलन, तो हमने जब फोन कैलन एक दू गो आओ जे आवे ऐसा ऐसा बात पर आवा। यहाँ मामला तो यह है भाई, इन लोग शिकार खेलने आया रात में बियर वियर खा के, गांव टोला वाले के जानकारियों भी नहीं हुआ, तो इन लोग के घटना हुआ ना, जे कैसे हुआ तब यह जानकारी हुआ तब हम घर से चले। तब शिकार खेलने अदर गांव के लोग आए हुए थे, जिसमें गुफा में घुस गए 5-7 लोग घुसे और एक साइड से गुफा में आग लगा दिए, और आग लगाने के दरमियान में ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि अंदर जो लोग घुसे 5 लोग, 3 लोग दम घुटने से गुफा में ही 3 लोगों को मौत। मॉडल को बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में और स्टेज पर रैंप करते तो बहुतों ने देखा होगा, पर क्या कभी किसी मॉडल को कचरे के ढेर पर मॉडलिंग करते देखा है? जी हाँ, झारखंड के लोहरदगा की रहने वाली और राजधानी रांची के डीएवी से 12वीं की पढ़ाई कर रही 16 साल की सुरभि ने राजधानी रांची के कचरा डंपिंग यार्ड झीरी में हजारों लाखों टन के कचरे के ढेर पर मॉडलिंग करते हुए कैटवॉक किया, जहां एक आम स्वस्थ कर्मी जाने से पहले सोचेगा। उस जगह पर सुरभि ने लगभग 4 घंटे मॉडलिंग करते हुए बताए। सुरभि के साथ पेशे से आर्किटेक्चर और शौकिया फोटोग्राफर प्रांजल कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बड़े बड़े फोटोग्राफर और मॉडल नहीं कर सकते।
इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, एम है मेरा मॉडलिंग, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास सोसाइटी से, जहाँ पर फैशन को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। फैशन अच्छी चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है। पर बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मतलब लोगों को सुना मैंने तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटकर करना होगा जिससे फैशन एक अच्छे पोजीशन पे आए, लोगों के मेंटालिटी पे फ़र्क पड़े। हम लोग हर चीज़ का एक आदत बना देते हैं, जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पहली बार अगर साफ़ सुथरे जगह में कुछ कचरा फेंका हुआ देखते तो हम लोग बोलते हैं यहाँ कचरा फेंका हुआ, वो हर दिन देखने लगेंगे तो एक आदत बन जाएगा। वैसे वहाँ रहकर वो स्मेल का भी आदत हो गया, वहाँ लोग रहते हैं। और जब हमने 4 घंटे शूट किया वहाँ पे, काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, बट उस चीज़ का आदत नहीं बनाना है कि हम लोग इस चीज़ का हैबिट बना लिए कि वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो फेंका ही जाता है। इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए। हम लोग किसी एक दूसरे सिटी के मॉडल्स को लेकर उठा के गार्बेज मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और टोक्यो पैरालंपिक में देश के पैरा एथलीटों ने कमाल कर दिया है। मरियप्पन थंगावेलू ने जहां सिल्वर मेडल जीता, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरियप्पन और शरद कुमार को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ऊंची और ऊंची उड़ान, और उन्होंने लिखा कि अदम्य शरद कुमार ने कांस्य पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाती है। उनकी जीवन यात्रा कई लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें बधाई। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी शरद कुमार की इस जीत पर बधाई दी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शरद को बधाई दी। वहीं मुजफ्फरपुर के शरद कुमार के पैरा ओलंपिक में पदक जीतने पर तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी है। सब लोगों को बधाई देते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि बिहार में पूरी तरीके से खेल जो है चौपट कर दी गई है, बर्बाद हो चुका है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का लोग जाए, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत कर के आए, लेकिन बिहार में कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।